नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और नए रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। आज का रेसिपी है मशरूम मटर रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी रहता है। और मशरूम्स भी कैसे क्लीन करना है मैं ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। मशरूम में बहुत मिट्टी रहता है, बहुत जन को पता नहीं कि कैसे क्लीन करना है। मैं आसानी से कैसे क्लीन कर सकते हैं मशरूम को मैं ये वीडियो में आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं ऐसे ऊपर ऊपर छिलका छीन के लेती हूँ और एक मशरूम में दो टुकड़ा काटना है। दो बॉक्स मशरूम्स यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से नमक के पानी में दो तीन बार धो के लूँगी और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए मैं कैसे क्लीन कर रही हूँ। अब मसाला तैयार करते हैं। मैंने लिया है 15 काजू, दो लवंग, एक दालचीनी, दो काली मिरी, दो इलायची, तीन हरी मिर्ची, तीन टमाटर बड़े बड़े टुकड़े काट के रखी हूँ, चार कांदा वो भी बड़े बड़े टुकड़े काट के रखी हूँ। अभी गैस पे एक पैन रखी हूँ और मीडियम आंच पे दो चम्मच तेल डाली हूँ और उसमें कटा हुआ टमाटर, कांदा, हरी मिर्ची, गरम मसाला, काजू डाल के भून लूँगी। एक तरफ ये भूनते भूनते दूसरे तरफ भी मैं मशरूम और मटर फ्राई करके लूँगी। देखिए मैंने लिया है 400 ग्राम मटर और मशरूम को अच्छे से क्लीन करके रखी हूँ। दूसरे गैस पे कढ़ाई रखी हूँ, डीप फ्राई के लिए तेल गरम की हूँ। अब मशरूम डाल के मैं डीप फ्राई करूँगी। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। देखिए गोल्डन कलर आया है। अब दूसरा ट्रिप डाल रही हूँ, दो बार मशरूम फ्राई करूँगी। अब दूसरा गैस पे मैं टमाटर भी अच्छे से हिला रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ना जल्दी होता है सब्ज़ी। एक तरफ ये फ्राई करते करते दूसरे तरफ टमाटर कांदा भी पका के ले रही हूँ। देखिए दूसरा ट्रिप भी अच्छे से हुआ है। अब मटर डाल रही हूँ वही तेल में, ये भी हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। मटर डाल के ढक्कन लगाना है क्योंकि बहुत बाहर छिड़कता है। अब टमाटर अच्छे से पका है, अब ठंडा करने रखूँगी मैं। देखिए मटर भी पक रहा है, 50% ही पकाना है क्योंकि फिर सब्जी में भी पक जाएगा। अब मटर को भी मैं निकाली हूँ। देखिए एक ही प्लेट में मटर और मशरूम निकाली हूँ। अब जार में जो मसाला बनाई थी वो मिक्सर में पीस लेते हैं। देखिए ऐसा स्मूथ पेस्ट करना है, मैं पानी नहीं डाली हूँ। अब एक कढ़ाई गरम की हूँ, उसमें बटर डाली हूँ, तीन चम्मच तेल डाली हूँ गरम होते ही, एक चम्मच जीरा डाली हूँ, तेजपत्ता, जो पीसा हुआ पेस्ट है वो भी डाल के अच्छे से भूनना है। इसमें काजू डाले हैं ये पेस्ट में, इसलिए चिपकता है। आप अच्छे से मीडियम गैस पे भून लीजिए। अब इसमें एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छे से भून रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं ढक के पकने दूंगी। देखिए पेस्ट अच्छे से पका है, तेल ऊपर आया है। अब चम्मच से अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए चिपक रहा है ना, वो चिपकने नहीं देना है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए मैं ढक के पकने दी हूँ। देखिए कितना अच्छे से पका है, पेस्ट अच्छा पकता है ना, बहुत ही टेस्ट आता है। अब इसमें तला हुआ मटर और मशरूम डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। मशरूम की सब्ज़ी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारा घर में सभी को बहुत ही पसंद आता है। मैं हफ्ते में एक दो बार तो बनाती रहती हूँ। देखिए 2-3 मिनट के लिए मैं ढक के पकने दी हूँ और नीचे लगने नहीं देना है, क्योंकि काजू का पेस्ट डाले हैं ना, लगता है नीचे। अभी पानी डाल रही हूँ, जो जार में पेस्ट पीसी हूँ ना वही जार में थोड़ा पानी
धो के डाल रही हूँ। आप ग्रेवी जितना चाहिए उतना पानी डाल सकते हो। दो तीन मिनट के बाद मैं कसूरी मेथी हाथ में लेके क्रश करके डाल रही हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ता है। आप कोथमीर भी डाल लीजिए, मेरे पास कोथमीर नहीं था तो मैंने ही डाली हूँ। अब दो मिनट के लिए मैं ढक के पकने दी हूँ। देखिए रेडी हुआ है सब्जी, कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही टेस्टी रहता है। अब मैं सर्विंग प्लेट में ले रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मटर सब्जी रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।